तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो अब तक इस चैप्टर में हमने जो किया था वो प्राइस इंडेक्स नंबर थे, अब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर करने लगे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को वैल्यू वॉल्यूम इंडेक्स नंबर या क्वांटम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है। या आप इसे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कह लें, या आप इसे वॉल्यूम इंडेक्स नंबर कह लें, या आप इसे क्वांटम इंडेक्स नंबर कह लें। अब जैसा कि आपको याद होगा कि हम प्राइस इंडेक्स नंबर करते थे तो वो हमें क्या बताता था, वो हमें चेंज बता रहा होता था कि हमारे पास जो प्राइसेस की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि 1990 के अंदर अगर वैल्यू दी गई है, फिर 1991 के अंदर बताया गया, तो हम प्राइसेस के लिहाज से बताते थे। लेकिन अब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर करने लगे तो ये हमें क्या मैयर करके देता है, ये हमें मैयर करके देता है चेंज। वो हमारे पास फिजिकल वॉल्यूम भी हो सकता है, या हमारे पास क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, कंज्यूम हो रही होती है, या हमारे पास सोल्ड हो रही होती है किसी भी किस्म की सर्टन गुड की, यानी कि हमारे सर्टन गुड्स और सर्विसेज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से। अब वहाँ पर हम क्वांटिटी में चेंज बताते, प्राइस में चेंज बताते थे कि हमारे पास इतनी परसेंट प्राइसेस बढ़ गई हैं, इतनी परसेंट प्राइसेस कम हो गई हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी के मतलब बताएंगे, सिर्फ ये इसके अंदर हमारे पास चेंज है। अब देखिए, हमारे पास हम जब प्राइस इंडेक्स नंबर निकाले थे तो आपको याद होगा जब हम पी एन ओवर पी नाट करते थे तो हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास होता था प्राइस रिलेटिव। अब इसी तरह आप क्या कह सकते थे, आप क्वांटिटी रिलेटिव भी निकाल सकते थे। जहाँ जहाँ पर पी है आपने वहाँ वहाँ पर क्या कर दिया, क्यों कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आ गया है। अब हमारे पास इस क्वांटिटी, हमारे पास वो था यहाँ पर हमारे पास प्राइस रिलेटिव आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी रिलेटिव आ गया। अब हमारे पास जो क्वांटिटी रिलेटिव के अंदर हमारे पास ये जो क्यू एन है और क्यू नॉट है, ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हम डोनेट क्या कर रहा है, तो यहाँ पर जो क्यू एन है ये हमारे पास क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ कम्योडिटी इन द गिवन पीरियड, यानी कि हमारे पास जो गिवन पीरियड के अंदर कम्योडिटी की वैल्यू है, हमारे पास जो क्वांटिटी दी गई होगी गिवन पीरियड के अंदर। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर अगर हमारे पास देखिए क्वांटिटी दी गई है, प्राइसेस दी गई है। अब हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और अगर मैं कहूँ ना कि 1958 है मेरा बेस है, तो बेस के आगे अगर देखें ज़रा, ये बेस के आगे हमारे पास जो 1959 है ये भी एक गिवन हमारे पास क्या है, ईयर की क्वांटिटी है, और हमारे पास 1960 ये भी एक गिवन पीरियड की क्वांटिटी है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास गिवन पीरियड की क्वांटिटी को डिवाइड करवाते हैं हम बेस पीरियड की क्वांटिटी के ऊपर। तो यानी कि एन जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास गिवन पीरियड की क्वांटिटी को हमें बता रहा होगा, और जो हमारे पास यानी कि क्यू नॉट होगा ये हमारे पास क्वांटिटी इन द बेस पीरियड हमारे पास जो पड़ी होगी उसे मैं बता रहा होगा। और ये हमारे पास क्या कर रहे होंगे, ये हमें मैयर करके दे रहे होंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी के अंदर कितने यानी कि चेंज आई है, ये हमें प्रोपोर्शनेट चेंज वो निकाल के देगा। तो प्रोपोर्शनेट चेंज यानी कि एक चेंज हमारे पास एक वैल्यू, दोनों दोनों हमारे पास क्या था, ईयर्स की वैल्यू निकल आई है, हमारे पास वैल्यू डाटा पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद में आप चेंज निकाल के देते हैं, यानी कि एक्चुअली वो चीज़ हैपन हो चुकी है, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, आपने वो उसका चेंज निकाला, तो वो प्रोपोर्शनेट चीज़ होती है। अब अगर आपको याद हो कि हमने पहले क्या किया था, हमने प्राइस इंडेक्स नंबर जब निकाले थे तो उसके अंदर हमारे पास क्या थे, हमारे पास हमने काफ़ी ज़्यादा फार्मूलेज किए थे वेटेड इंडेक्स, वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ इंडेक्स नंबर के अंदर। लेस्पियर था, पाशिस था, फिशर था, मार्शल था, वेलिश था। तो यहाँ पर हमारे पास देखें वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बताता है कि हमारे पास जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हैं वो उसके जो फार्मूले हैं उसे हम ऑब्टेन कैसे कर सकते थे, हम इंटरचेंज कर देते हैं पीज को क्यों के साथ और क्यों को पी के साथ, यानी कि मिसाल के इन द वेटेड प्राइस इंडेक्स फार्मूला, यानी कि हमारे पास जो वेटेड प्राइस इंडेक्स फार्मूला के अंदर पीज हैं, अगर मैं उसे रिप्लेस करवा दूं क्यों के साथ और क्यों को रिप्लेस करवा दूं पी के साथ, तो जहां पर मेरा प्राइस इंडेक्स नंबर पड़ा होगा वही चेंज होगा, क्वांटिटी इंडेक्स बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये मैंने जो फार्मूला लिखा है ये मेरे पास क्या है, लेस्पियर वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ये वाला जो फार्मूला ये प्राइस का है। तो अगर मैंने क्या अभी क्या कहा है, मैंने इंटरचेंज करवाना है पी को क्यू के साथ, तो देखिए यहाँ पर पी लिखा है, अगर मैं यहाँ पर इस फार्मूले में क्यू लिख दूँ, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर पी लिख दूँ, सेम इंटरचेंज मैंने नीचे भी किया है, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या था, ये मेरा प्राइस के लिए था इंडेक्स नंबर का फार्मूला, और ये मेरे पास किसके लिए बन गया, ये मेरे पास क्वांटिटी के लिए बन गया। इसी इस तरह आप पाशिस का भी बना सकते थे चेंज करके, इसी तरह आप फिशर का भी बना सकते थे चेंज करके। तो जस्ट इनमें आप चेंज क्या कर रहे होंगे, इनमें आप पीज और क्यूज की वैल्यूज को चेंज कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे पास क्या होता था, अगर आपने लेस्पियर याद हो आपको, तो हम जो यहाँ पर देखें, हम जो क्वांटिटीज थी
बेस पीरियड की, उन्हें हम क्या कर रहे होते थे, उन्हें हम फिक्स रखते थे। यहाँ पर हमारे पास देखें तो हमारे पास जो प्राइसेस हैं बेस पीरियड की, वो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें हम कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, उन्हें हम फिक्स रख रहे हैं। ऐसे हमारे पास जो पासिस था उसके अंदर अगर आपको याद होगा, जो हमारे पास क्वान्टिटीज थी वो हम गिवन पीरियड की यूज़ कर रहे होते थे, यानी कि उन्हें हम वेट्स के तौर पर यूज़ कर रहे होते थे। और हमारे पास यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं उन्हें हम फिक्स करके, तो हमारे पास क्या है, हम वेट्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते थे, इस तरह हम फिशर के लिए भी निकाल सकते थे। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता था, जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते थे उसमें हमारे पास क्या होता था, उसमें हमारे पास जो वेट्स थे, हमारे पास जो क्वांटिटीज थी, वो हमारे पास क्या होती थी, वो हम हेल्ड करते थे कॉन्स्टेंट के तौर पर। और हमारे पास जो चेंज आता था एट्रीब्यूट के लिहाज से, वो हम चेंज इन प्राइस निकालते थे। लेकिन हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्राइसेस को हेल्ड कर रहे हैं कॉन्स्टेंट के तौर पर। देखें हमारे पास जो, यानी कि वेट्स के तौर पर देखें तो हमारे पास ये क्वांटिटीज यहाँ पर प्राइसेस यूज हो रही हैं, और जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास एट्रीब्यूट हो रहा है, एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी के लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस को बता रहे हैं। यानी कि हमारे पास देखें, हमने अब इसी तीन फार्मूले के लिए अगर मैं क्वेश्चन नीचे मैंने लिख दिया पहले ही, तो अगर देखें मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि 1958 है, वो हमारे पास क्या है, बेस पीरियड है हमारा। और जो 19 आगे जो हमारे पास है, वो हमारे पास जाहिर बात है गिवन ईयर होंगे। तो 1958 वाली वैल्यू को मैंने क्या रखा, क्यू नॉट 1958 वाली वैल्यू जो हमारे पास क्वांटिटी की है वो क्यू नॉट, और जो प्राइस की है वो पी नॉट। इस तरह जो उससे आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ईयर आते जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास यहाँ पर क्यू वन, क्यू टू, यहाँ पर पी वन और पी टू प्राइसेस के लिहाज से। अब देखें, अब हमें फार्मूले में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर वो कहे कि इसी क्वेश्चन को आप लेस्पियर के लिए भी निकाल दें, हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है, वो कहता है कि लेस्पियर के लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालें, पाशर्स के लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालें, फिशर के लिए क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालें, और निकाले भी 1999 के लिए और 1996 के लिए। यानी कि अगर आपने लेस्पियर निकालना है तो वो भी आपने 1959 के लिए और 1960 के लिए आप निकालेंगे, और इस तरह अगर आपने पाशर्स निकालना है तो वो भी आप 1959 के लिए और 1960 के लिए निकालेंगे, अगर आपने फिशर निकालना है तो वो भी आप 1959 और 1960 के लिए निकालेंगे। तो देखें यहाँ पर हमने सिर्फ, हमें फार्मूले में अब क्या क्या रिक्वायर्ड था, अगर मैं 1959 के लिए निकालता तो मेरे पास, अब देखें इसी फार्मूले का अगर मैं चेंज करता तो मेरे पास क्या आ जाना था, क्यू वन आ जाना था। अगर मैं 1960 के लिए निकालता तो मेरे पास क्या आ जाना था, क्यू टू आ जाना था। तो मेरे पास अब क्या क्या चीज़ होती, अगर क्यू वन होता तो मेरे पास क्यू वन होता तो ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं, पहले ही हमारे पास नीचे लिखा हुआ है। तो ये देखें हमारे पास फिर क्या हो जाना था, क्यू वन हो जाना था जब हमने 1959 के लिए निकालना था, और हमने जब 1960 के लिए निकालना था तो वो क्यू टू, क्योंकि देखें हमने 1960 को ये देखें क्यू टू और पी टू कहा गया, और हमारे पास 1959 को हमने क्यू वन और पी वन कहा था। अब देखें हमने यहाँ पर देखें तो हमारे पास अब ये सारी कैलकुलेशन, यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें क्यू वन और पी वन वाला एक हमारे कॉलम चाहिए था, यानी कि हम क्यू वन और यहाँ पर पी नॉट, इस दो कॉलम को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक सिंगल कॉलम आ जाएगा। अब देखें हमारे पास क्यू वन हमारे पास कहाँ है, क्यू वन और पी नॉट, ये वाला कॉलम, एक ये कॉलम हमारे पास आ गया, और इसके अलावा हमारे पास दूसरा कॉलम जो बटे में है वो ये वाला है। इसे हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास अब क्वांटिटीज़ बता रहा है। पहले हमें क्या बताता था, पहले हमें प्राइसेस बताता था कि प्राइसेस इतनी इंक्रीज़ हुई हैं या इतनी डिक्रीज़ हुई हैं, ठीक है, बेस ईयर के लिहाज से। लेकिन अब अगर हम बताएं ना तो हमें बताएगा कि क्वांटिटी इतनी इंक्रीज़ हुई है, 75.8% क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है बेस ईयर के लिहाज से। यानी कि अगर मैं कहूँ ना कि तो 1958 में हमारे पास 75.8% इंक्रीज़ आया क्वांटिटी में एज़ कम्पेयर टू 90, यानी कि हमारे पास जो बेस ईयर था 1958 के लिहाज से। तो अब इसी तरह अगर आपको पाशर्स के लिए कह दिया जाता कि आप क्वांटिटी इंडेक्स निकालें 1959 के लिए और 1960 के लिए, तो आपने क्या करना था, एक दफ़ा आपने क्या करना था, आपको यही फार्मूला अगर मैं कहूँ तो यहाँ से देख लें, तो एक हमारे पास ये हो जाना था, एक दफ़ा आपने इसको कर देना था, और ये आपके लिए किसके लिए आना था, ये आपका 1959 के लिए आ जाना था, और ऐसे 1960 के लिए आप निकालते तो आपका तो नीचे मैंने वैल्यूज आपके लिए निकाल दी हैं, आप ऐसे पुटिंग करके आंसर निकाल सकते हैं।
और इसी तरह अगर आपको फिशर के लिए कहा जाता तो एक दफा आप वन वन पुट करते, ठीक है, जहां जहां पर एन है वहां पर वन वन पुट करते तो आपका किसके लिए आना था, 1959 के लिए। और अगर आप टू टू पुट करके आंसर सारा निकालते तो आपका किसके लिए आ जाना था फिशर का आंसर, वो आपका आ जाना था 1960 के लिए आंसर आ जाना था। अच्छा, तो यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि आप सिर्फ लेस्पियर पाशेज फिशर के लिए निकाल सकते थे, आप मार्शल के लिए भी निकाल सकते थे, आप वैलेश के लिए भी निकाल सकते थे, वालिश के लिए भी निकाल सकते थे। वो आप कैसे, वो आपने जस्ट आपने क्या करना था, जहाँ पर आपके पीज हैं उसे आपने क्यूज में चेंज कर देना था, और जो क्यूज हैं उन्हें आपने पीज में चेंज कर देना था, इस तरह आपके वो भी आ जाते। और इसने हमें सिर्फ ये बताया कि इसने बताया कि वेटेड इंडेक्स नंबर आपका जो है उसे आप चेंज करके निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि सिर्फ एग्रीगेट वाले के ऊपर नहीं, इसका मतलब ये भी है कि आप जो हमारा वेटेड हमारे पास होता है एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर्स, उसके अंदर भी हमने तीन किए हैं। हमारे पास लेस्पियर होता है, पाशेज होता है, उसके अलावा हमारे पास होता है पेलग्रेव्स होता है हमारे पास, तो ये तीनों भी आप कह सकते थे पी को क्यू के साथ और क्यू को पी के साथ चेंज करके आप क्वांटिटी इंडेक्स नंबर उनके निकाल सकते थे। अच्छा, तो आगे देखने से पहले आप एक और एग्जांपल देख लें। तो ये हमारे पास यूके के कुछ इम्पोर्ट्स हैं, उनके हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं कि हमारे पास ये ईयर्स हैं, इनके अंदर ये हमारे पास डिक्लेयर्ड वैल्यू है, और ये हमारे पास 1930 की बेस के ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो पड़ी हुई हैं। आप देखें, यानी कि अब ये जो ईयर्स हैं वो तो ईयर्स ही रहे, अब ये जो डिक्लेयर वैल्यू है ये हमारे पास क्या है। अगर हमारे पास गिवन ईयर के लिए, यहाँ पर उसने क्या है कि 1930 को आप गिवन ईयर रखें, तो ये गिवन ईयर है ना, तो ये हमारे पास क्या है, पी नॉट और क्यू नॉट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास था बेस ईयर, तो ये हमारे पास क्या था, पी नॉट और क्यू नॉट। अब ये हमारे पास क्या है, गिवन ईयर है, तो ये हमारे पास क्या है, पी वन एंड क्यू वन। तो ये हमारे पास जैसे आगे आगे हमारे पास बढ़ते जाएंगे तो क्यू टू पी टू क्यू टू पी थ्री क्यू थ्री पी फोर क्यू फोर पी फाइव क्यू फाइव एंड पी सिक्स क्यू सिक्स, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बता रहा है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 1930 की बेस के ऊपर है, यानी कि हमारे पास जो ये चीज़ है ये हर एक के साथ आ रही है, ये देख रहे हैं तो आप, हर एक के साथ हमारे पास ये यहाँ पर आ रही है, और हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें कहता है कि अगर 1930 को बेस रखते हुए हमें एवरेज वैल्यू निकाल के दे, तो जब हमें एवरेज वैल्यू निकाल के दे रहा है, अब वैल्यू से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि आपने कौन सा इंडेक्स नंबर निकालना है, आपने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालना है, प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, या आगे आके हमारे पास ये जो है हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर आ रहे हैं आपने ये निकालने लग पड़ना है। तो इन तीनों में से आपने क्या देखना है, आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है, आपने एवरेज वैल्यू, जब आपको कहा जाए ना कि वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालें, तो हमने जो आगे जाके अभी आगे अपने ये यानी कि बताना है मैंने आपको, तो वो हमने निकाला, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कहा है, उसने हमें कहा कि एवरेज वैल्यू निकालें, तो इसका मतलब क्या है, आपने पार्शल इंडेक्स नंबर की तरफ मूव कर देना, ठीक है। तो ये आप क्या है, आपने पार्शल इंडेक्स नंबर निकाला, तो देखें उसका फार्मूला क्या होता था, ये होता था, फिर नेक्स्ट उसका फार्मूला क्या होना था, ये होना था। इस तरह आप आगे मूव करते जाएंगे तो 1932 33 34 35 36 इस तरह आप निकाल सकते थे वैल्यूज। अब ये देखें, अब नेक्स्ट वो तो दूसरा उसका पार्ट है, उसमें कहता है क्वेश्चन के अंदर कि हमें वॉल्यूम फॉर द ईयर इतने के लिए निकाल के दे। अब देखिए ये वॉल्यूम, तो हमने अभी देखा था कि हमने क्या कहा था, हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कह सकते थे, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर कह सकते थे, या क्वांटम इंडेक्स नंबर कह सकते थे। तो उसने कहा वॉल्यूम इंडेक्स नंबर निकालें, 1930 को उसने बेस हमें बता दिया, तो इस तरह हमारे पास कब होता था, अगर यहाँ पर अगर देखें वो कहता कि प्राइस इंडेक्स नंबर निकालें 1930 को बेस रखते हुए, तो आपने क्या करना था, आपने लेस्पियर प्राइस इंडेक्स निकालना था, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होना था, हमारे बेस हमारे पास जो 1930 की वैल्यू होनी थी, यानी कि पी नॉट और हमारे पास जो क्यू नॉट होना था वो हमारे पास क्या होना था, वो सेम रहने थे, और हमारे पास जो ऊपर होने थे यानी कि पी एक दफ़ा वन आ जाना था, एक दफ़ा टू, एक दफ़ा थ्री, एक दफ़ा फोर, ऐसे हमारे पास मूव होना था, ये इस तरह हमारा लेस्पियर इंडेक्स नंबर चलना था। लेकिन अब वो कहता है कि वॉल्यूम निकालें, तो इसका मतलब क्या, हमने निकालना लेस्पियर ही है, लेकिन आपने क्या करना है, लेकिन आपने प्राइसेस नहीं बल्कि आपने क्वांटिटी को चेंज करना है। प्राइसेस आपकी क्या रहेंगी, आपकी सेम रहेंगी, और क्वांटिटी आपकी चेंज होती जाएगी, यानी क्वांटिटी अब एन में आ गई है। अब देखें, आप अगर 1930 के लिए निकालेंगे तो वो 100, अगर आप 1931 के लिए निकालेंगे तो इस तरह हमारे पास ये देखें, अब क्यों की जगह वन। अब अगर आप नेक्स्ट मूव करते जाएंगे ऐसे ही आपके पास क्या आता जाएगा, आपके पास एक दफ़ा क्यू टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इस तरह आप ये सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपको इसलिए साथ साथ बताइए कि काफ़ी लोग इससे कन्फ्यूज भी होते हैं, और उसके अलावा इसमें ये क्वांटम का भी थोड़ा सा बता दिया, और दूसरा भी इसके साथ आ जाता है। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है वैल्यू रिलेटिव हमारे पास क्या होते हैं। तो इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं, को
तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब हमारे पास एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी यानी कि एक कमोडिटी की प्राइस पड़ी हुई 1960 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर प्राइसेस पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसकी आगे क्या होता है, हमारे पास प्राइसेस भी पड़ी होती थी और ज़्यादातर अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हमारे पास क्वांटिटी भी पड़ी होती थी। अगर हमारे पास प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ गिवन ईयर, हमारे पास गिवन ईयर देखें उसकी प्राइस पड़ी हो, अब हमारे पास अगर 1960 को हमने बेस कह दिया है, उसके बाद हमारे पास 19 अगर आप मैं यानी साथ साथ आपको लिख देता हूँ, 19 अगर 60 को हमने बेस कर दिया तो ये हमारे पास इसकी क्या हो गई, ये हमारे पास बेस पीरियड की प्राइसेस और ये हमारे पास गिवन पीरियड, ये भी गिवन पीरियड की प्राइसेस। इस तरह अगर हमारे पास एक कम्योडिटी, अब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो प्राइस ऑफ अ कम्योडिटी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, जो अब गिवन पीरियड की प्राइसेस हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर दें बाय इट्स वेट, यानी कि देखें हमारे पास क्या होता था, हमारे पास पहले अगर हम इतने क्वेश्चन किए तो प्राइसेस की एक अलहदा बना देते थे और क्वांटिटी की हम क्या करते थे, एक अलहदा कॉलम बना देते थे। तो ये हमारे पास क्या होता था, तो इसमें हमारे पास देखें इसमें अगर मैं कहता पी नॉट पी वन पी टू और उसके बाद में मेरे पास क्यू नॉट क्यू वन, अगर मेरे पास 3 साल का डाटा पड़ा हुआ है तो वो कहता है कि अगर हमारे पास अगर ये गिवन पीरियड चल रहा है तो उसी की गिवन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो क्वांटिटी पड़ी है इन दोनों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि पी वन और क्यू वन की बात कर रहा है वो, तो क्वांटिटी आपको पता ही कि वो हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है या हमारे पास परचेज हो रही होती है या सोल्ड हो रही होती है ड्यूरिंग द गिवन ईयर। अब बेस ईयर के लिहाज से देखें तो बेस ईयर के लिहाज से अब हमारे पास इससे हमें क्या मिलता है, हमें मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, फिर हमें ये मिलेगा टोटल वैल्यू, ठीक है, जिसे हम पी और क्यू के जरिए भी जाहिर करेंगे या हम इसे वी के जरिए भी जाहिर करेंगे, ठीक है, यानी कि ये चीज़ लिख लें या ये चीज़ लिख लें। तो देखिए हमारे पास आगे ये देखिए मैं उसने क्या कहा है कि अगर आप प्राइस अगर आप वैल्यू रिलेटिव को देख लें तो ये हमारे पास क्या आप देखें क्या बता रहा है कि टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर। अब देखें ये पी एन और क्यू एन, अब आपको समझ आई होगी अगर हमारे पास पी टू और क्यू टू हो जाता तो ये हमारे पास क्या होता, हमारे पास ये दोनों गिवन ईयर हैं जो चल रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है, यानी कि ये तो बेस था, चले ये हमारे पास बेस है तो ये हमारे पास क्या है, ये दोनों गिवन है, तो गिवन ईयर के अंदर हमारे पास जो टोटल वैल्यू है यानी कि जो प्राइसेस भी हैं और जो हमारे पास सोल्ड चीज़ हुई क्वांटिटी वगैरह वो भी सारा की सारी उसकी यानी कि वैल्यू गिवन ईयर के अंदर और उसे डिवाइड किसके ऊपर आपने करा देना है, टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द बेस पीरियड, यानी कि जो पी नॉट और क्यू नॉट उसके ऊपर आप देखें डिवाइड करवा रहे हैं और मल्टीप्लाई पे 100 करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा वैल्यू रिलेटिव। तो इसे आप अभी हमने क्या कहा था, आप पी एन क्यू एन कर लें या वी एन और वी नॉट के जरिए आप इसे क्या कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। अब अगर आप इसे कोर से देखें, अगर मैं इसे सेंटर से देखें ऐसे कर दूँ तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये आपके पास क्या है प्राइस रिलेटिव और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है क्वांटिटी रिलेटिव है और ये हमारे पास प्राइस रिलेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फैक्टर 100 को ओमिट कर दूं निकाल दूं तो ये मेरे पास जो वैल्यू रिलेटिव है वो इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड क्वांटिटी रिलेटिव के इक्वल होता है। ये देखिए हमारे पास इतना, ये मैंने अभी आपको बताया ना कि सेंटर से अगर मैं कट लगा के आपको बताता 100 में अगर मूव कर दूँ ओमिट कर दूँ तो ये मेरे पास क्या है प्राइस रिलेटिव, ये देखिए प्राइस रिलेटिव और ये मेरे पास क्या है क्वांटिटी रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव और क्वांटिटी रिलेटिव का जो प्रोडक्ट होता है वो वैल्यू रिलेटिव के इक्वल होता है। तो अब इसी के साथ इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास अगर कमोडिटीज़ दी जाएँ और हमें कहा जाए कि ये बेस ईयर है तो बेस ईयर के अंदर हमारे पास जो प्राइसेस पड़ी होंगी जाहिर बात है वो पी नॉट होंगी और जो क्वांटिटीज़ पड़ी होंगी वो क्यू नॉट होंगी। करंट ईयर है इसके अंदर हमारे पास जो प्राइसेस पड़ी होंगी वो पी वन और जो क्वांटिटीज़ पड़ी होंगी वो क्यू वन होंगी। अब हमें कहता है कि क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर निकाल के दें, तो हमें पता है कि हमने वैल्यू इंडेक्स नंबर कौन सा निकालना है, ये वैल्यू रिलेटिव ही हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पी एन और क्यू एन चाहिए, यानी कि हमें पी वन और क्यू वन वाला एक कॉलम चाहिए जिन्हें आपन हमने आपस में मल्टीप्लाई किया होगा। तो वो हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, तो ये देखें हमने ये वाला देखें हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसके अलावा हमें फिर नीचे के चाहिए पी नॉट और क्यू नॉट, तो देखें हमने वो भी मल्टीप्लाई भी किया हुआ है पी नॉट और क्यू नॉट। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते थे, हम वैल्यू इंडेक्स नंबर निकाल सकते थे। अभी आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पी नॉट क्यू नॉट और ये हमारे पास है पी वन क्यू वन। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते थे। अब हमारे पास है लेस्पियर वेटेड एवरेज प्राइस इंडेक्स निकाले। अब देखें ये प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है, यहाँ पर इन चीज़ों की वजह से आपने कन्फ्यूज होना, तो ये प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है ना कि क्वान्टिटी इंडेक्स की, ठीक है, ना ही उसने वॉल्यूम की बात की है ना ही उसने क्वान्टम की बात की है, प्राइस की बात की है।
तो आपने क्या कहना था, आपने लेस्पियर का फार्मूला आपको पता है? ये देखें, हमारे पास लेस्पियर का फार्मूला क्या होता था, हमारे पास पी एन क्यू नाट और उसके बाद में पी नाट क्यू नाट होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। तो एन की जगह हमने सिर्फ वन पुट करना था और ये हमारे पास ये भी निकल आना था। तो ये हमने ये देखे निकाला हुआ है, हमने पी नाट और क्यू, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक पी वन और क्यू नाट वाला कॉलम ऐड करना पड़ना था, तो हमने वो भी ऐड किया। तो हमने क्या निकाल दिया, लेस्पियर वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स निकाल दिया, इसकी हमारे पास वैल्यूज भी आ गई हैं। अब हमारे पास जो थर्ड है वो कहता है कि इसमें पार्शियल वेटेड, अब देखें एग्रीगेट की बात नहीं कर रहा, वो कहता है एवरेज ऑफ रिलेटिव वैल्यू इंडेक्स निकाल लें। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ देखें कि ये वॉल्यूम इंडेक्स की बात कर रहा है, दो चीज़ें गौर करने वाली हैं। एक वो कह रहा है कि आप मूव कर जाएं एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स में, वो वेट यूज़ करें। नेक्स्ट वो कहता है कि आपने प्राइस इंडेक्स नहीं निकालना, आपने वॉल्यूम इंडेक्स निकालना है। तो ये देखें, ये हमारे पास अगर हम सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करें ना कि हमारे पास पार्शियल वेटेड एग्री एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, यानी कि वॉल्यूम की जगह प्राइस लिखा हो, तो हमारा फार्मूला था ये वाला, ये हम पीछे टॉपिक्स में करके आ चुके हैं। तो हमने क्या कहा था कि हम प्राइस को अगर क्वांटिटी में, वॉल्यूम में या क्वांटम में चेंज करना होता, तो हम क्या कहते थे, हम पी की जगह क्यू को लिख देते थे और क्यू की जगह पी को। यानी कि अगर हमने अब इसे को वॉल्यूम इंडेक्स नंबर बनाना होता, तो हम यहाँ पर जो पी है ये देखें हमने रिप्लेस कर दिया क्यू के साथ इसे। अब यहाँ पर जो पी है इसे भी हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ये देखें क्यू के साथ। यहाँ पर ये दो रिप्लेसमेंट की गई है, ये वाली और ये वाली। नेक्स्ट देखें, जहाँ पर पी नॉट है यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट है, यहाँ पर पी है यानी क्यू एन है और यहाँ पर हमारे पास पी एन है, एन यानी कि हमारे पास जो वन अब यूज हो रहा है। इस तरह हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये पार्शियल वेटेड एवरेज ओवर रिलेटिव वॉल्यूम इंडेक्स आ जाएगा, तो इसका हम आंसर भी निकाल लेंगे। सिर्फ हम अभी हमें क्या करना पड़ना था, हमें एक क्यू नॉट और हमारे पास क्यू, हमें एक चाहिए पहले क्यू नॉट और पी वन। अब देखें नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ये हमें क्वालिटी रिलेटिव इसे हम कहेंगे। यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास क्या थी, इतनी जो चीज़ होती थी ये हमारे पास होती थी प्राइस रिलेटिव, अब हमने क्वालिटी रिलेटिव निकालना है। तो ये देखें हमने यहाँ पर क्या निकाला है, क्वालिटी रिलेटिव निकाला है। क्वालिटी रिलेटिव निकालने के बाद में हमें क्या चाहिए, हमने इन दोनों को यानी कि इस वाले को और इस वाले को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो फाइनल हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड थी ये आ जाएगी, क्योंकि हमें इसका चाहिए सम। पीछे आप देखें तो हमें ये जितना हमने किया इसका सम चाहिए, यानी कि हमें ये चीज़ चाहिए इसमें, ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, इसे हमने डिवाइड किसके ऊपर कराना है, ये जो हमारे पास पी वन और क्यू नॉट, ये देखिए पी वन और क्यू नॉट हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हमने इसके ऊपर इसे डिवाइड करवाना था। ठीक है, तो डिवाइड कराने के बाद आपके पास आंसर इसका आ जाना था। तो इस तरह हम यानी कि सारा का सारा देख सकते थे इसमें कैसे करना था या क्या नहीं। अच्छा, एक चीज़ हमने ये जो प्राइस रिलेटिव नहीं निकाला हमने, क्योंकि क्वालिटी रिलेटिव निकाला, आपकी बुक वाले ने इसे प्राइस के जरिए लिखा, लेकिन आप इसे बेहतर होगा कि क्यू 01 लिखें। ठीक है, बुक वाले ने ऐसे लिखा नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिखा। अब देखें हमारे पास एक और चीज़ है, छोटी सी चीज़ रहेगी कि वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स, हमारे पास ये भी हमारे पास होता है कि यानी कि हमारे पास अगर हम वेट्स रिलेटिव लिए, उसके बाद में हम वेट्स के साथ ही इन्हें मल्टीप्लाई करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं और बाय 100 ऐसे कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स होगा। तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास आपकी बुक में 5.41 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है। तो इसमें अगर आप देखें ना क्वेश्चन के अंदर, तो 1938 है वो क्यू नॉट है, और 1930 यानी कि जो हमारे पास है 1943, ये हमारे पास है क्यू वन पार्ट वन में हमारे पास। ठीक है, और जो हमारे पास वो कहता है उसमें वेट्स के तौर पर यूज़ करें, यानी कि जो डब्ल्यू जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर जो 1938 का कॉलम है वो सारा का सारा डब्ल्यूज है। फिर आप इसे इस तरह निकाल सकते थे, यानी कि आप क्वांटिटी की जो हमारे पास 1943 की वैल्यू है उसे आप डिवाइड करवाएं पहले 1938 के ऊपर, आपके पास ये चीज़ें आती जाएंगी, एक नया कॉलम बन के आता जाएगा। फिर आपके पास जो हमारे पास वैल्यूज़ पड़ी होंगी 1938 के अंदर, उन वैल्यूज के साथ आप इसे मल्टीप्लाई करवाते जाएं तो हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा, और उसे उन्हीं वैल्यूज़ का अगर आप सम कर लें तो हमारे पास नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरह आप पार्ट वन कर लेंगे, और इस तरह आपने पार्ट टू के लिए इसे चेंज कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पर आप देखें तो ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, अगर इसे ही मैं पीस कर देता, यहाँ पर अगर मैं पी कर देता, ये देखें पी एन और पी नॉट, तो ये हमारे पास क्या हो जाना था, ये हमारे पास वेटेड
रिलेटिव प्राइस इंडेक्स हो जाना था क्वांटिटी की जगह पर। और इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन, हमारे पास 5.37 उसका जो पार्ट बी है उसके अंदर हमें ये क्वांटिटीज दी गई हैं, उसके अंदर हमें ये वेट्स जो हैं उसने अलग-अलग दे दी हैं। तो आप उसे इस तरह भी कर सकते थे। तो ये मैंने कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ क्लियरली बता दी जाए। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।